कह रहे हो सर, पांच चक्कर लगाए जज ने, एक एक पॉइंट पे उसको डिस्कस करके ये और थोड़ा छोटा है इसको बड़ा करो, ऐसी दाढ़ी इतनी इतनी दाढ़ी ऐसी बना दी भाई। विश्व वर्ण में ये विधान है कि आप दूध दही और नारियल के गोले से और सुपारी से और आप पूर्ण आहुति कर सकते हैं। तो भगवान अग्रसेन जी ने कहा कि यदि ऐसा विधान है तो आज से मैं क्षत्रिय धर्म को त्याग करके और मैं वैश्य वर्ण अपनाने की घोषणा करता हूं और 18वें यज्ञ को मैं पूर्ण करता हूं। 18 यज्ञ पूरे किए, 17.5 गोत्र की जो बातें आप करते हैं ना वो 17 नहीं है, पूरी 18 है, पूरे 18 यज्ञ उन्होंने संपन्न किए हैं, पूरे हैं। आज भगवान ने क्षत्रिय धर्म का त्याग किया, अपने क्षत्रिय धर्म की आहुति प्रदान की। जीवन की सबसे बड़ी आहुति कही गई है, इसलिए अध्याय का नाम भी आहुति है। जब आसपास के राजाओं को यह पता लगा कि अरे अग्रसेन ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्षत्रिय वंश का नाम खराब कर, आक्रमण किया अग्रवा नगरी पर, चारों ओर से घेर ली, सारे पुत्रों ने कहा पिताजी अब आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इन सब राजाओं से हम युद्ध करेंगे, क्योंकि पुत्र जब बराबर का हो जाता है तो अपने पिता को कोई भी पुत्र संकट में नहीं डालता, पुत्र कहीं लड़ने के। राजाओं से युद्ध किया, बंदी बनाया, सबको बंदी बना करके लेकर के आए, भगवान अग्रसेन जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। भगवान अग्रसेन जी ने कहा अरे इनको क्यों पकड़ करके लाए, ये आक्रमण कर रहे प्रजा को। लेकिन भगवान अग्रसेन दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने कहा इन सब राजाओं को छोड़ दो, हमें क्या करना है, इनको बंदी बना। एक राजा यदि बंदी बन जाता है तो उसका पूरा राज्य हमारे अधीन हो जाता, राज्य अपने आप ही उनके पास आ गया। लेकिन भगवान अग्रसेन ने कहा कि नहीं। हाँ जी, पहले अपना परिचय दीजिए, परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम विजय अग्रवाल है, मैं वैश्य समाज सेक्टर 4-7 इस संस्था का प्रधान का मेरे पास दायित्व है। मेरे साथ खड़े हैं हमारे चेयरमैन श्री आदि सिंह जी, साथ में है मीना गर्ग। तो आज कथा का लास्ट दिन था जी, कब शुरू हुई थी और आज लास्ट दिन था, तो क्या आज इस पे प्रसन्न हुआ था अग्रसेन जी का? हमारी कथा 25 तारीख से शुरू हुई थी, 3 दिन से कथा 25, 26, 27 आज अंतिम दिवस था। मैं इससे पहले ये बताऊं कि क्या बताया गया, आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो 3 दिन से एक भक्ति में और ज्ञान के गंगा गुरुग्राम में प्रवाहित हो रही थी उसका अंत हम एक शौक से में है। कल से हम क्या करेंगे, कल क्या होगा, इतनी मधुर और इतनी ज्ञानवर्धक कथा थी मैंने अपने जीवन में बहुत कम सुनी है। और आचार्य नर्मदा शंकर जी ने जिस भक्ति भाव से एक आधिकारिक रूप में हमारा इतिहास से हमें रूबरू कराया, हमें जानकारी दी, हम वाकई में कथा को सुनकर धन्य हुए हैं। अग्रवालों का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। महाराजा अग्रसेन जी राज श्री रामचंद्र जी के कुछ की 34वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं, यानी कि हम सतयुग, द्वापर, कलयुग और त्रेता युग तीनों से ही हमारा संबंध है। फिर भी महाराज अग्रसेन जी का जन्म द्वापर युग में हुआ, उन्होंने महाभारत के युद्ध में 15.5 वर्ष की आयु में भाग लिया, उसके पश्चात उनके पिताजी का वीर गति पाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मत आप शोक ना करें, आपका जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है, इसके बाद ये जरासंधि चल रही है, कलयुग की शुरुआत होने वाली है, आप कलयुग में जाकर धर्म का प्रचार करें और एक आदर्श राज्य की स्थापना करें। यही आज भारत जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने इंद्र के सामने भी घुटने नहीं टेके, इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रजा को संताप दिया,
बारिश वर्षा ना होने दी, उन्होंने उनकी फसलों को जला दिया, लेकिन फिर भी ये जो पुरुषार्थ की कथा है, भगवान अग्रसेन जी ने अपनी जनता को कहा अगर इन पर बारिश नहीं होने दे रहा तो नदियों का पानी नहरों के द्वारा लाकर अपनी खेती करेंगे। तो उस तरह बहुत सारी जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, आज जो साइंस कर रही है, जो डैम की टेक्नोलॉजी है, वो महाराजा अग्रसेन जी के समय से शुरू हो चुकी थी। और मैं बता दूं कि सन 1968 अग्रोहा में एक शानदार साम्राज्य रहा जिसकी दूर दूर तक शाखाएं थी, कलकत्ता, असम, आप देखते हैं हमारे जो अगर बंधु है, मारवाड़ी बंधु है, देश के हर कोने में फैले हैं, उनका सबकी विकास और उद्यम अग्रोहा धाम से ही है। उसके बाद कालांतर में जैसे समय परिवर्तित होता है, इसलिए 2000 वर्षों से वह सभ्यता लोप हो गई, अग्रोहा धीरे धीरे खंडर में भी तब्दील होता चला गया। लेकिन अब हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अग्रोहा का वही पुराना प्रारंभ कराएंगे, ताकि अग्रवंश की वही सुनहरे दिन की शुरुआत हो। मेरे पास वैश्य समाज से प्रचार साहब का चेयरमैन का दायित्व है। मैं इस बारे में आपको बताऊं कि हम सूर्यवंशी हैं, हम महाराजा अग्रसेन से जो हमारी पीढ़ियाँ स्टार्ट हुई, जो हमारा वंश स्टार्ट हुआ, जो पहले क्षत्रिय वंश था, जो महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए, जिनके अंदर 17 यज्ञ में पशु बलि दे के ना उसको संपूर्ण किया गया। लेकिन जब 18वां यज्ञ चल रहा था तो महाराजा ने जिन घोड़े की बलि दी जानी थी तो उनकी आँखों में, घोड़े की आँखों में आंसू देखकर महाराजा का मन द्रवित हो गया और उन्होंने कहा मैं पशु बलि नहीं दूँ। तो उन्होंने, पंडितों ने कहा कि आपका ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, क्या ना हो या ना हो। फिर उनको समझाया गया कि आप ऐसा करिए, आप वैश्य वर्ण धारण कर लीजिए तो आप नारियल की बलि से भी इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो उस दिन से महाराजा ने, हमारे महाराजा ने वैश्य धर्म धारण कर लिया, क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, लेकिन आज भी हम सूर्यवंशी हैं। धन्यवाद। परिचय दीजिए आप। नारी शक्ति तरफ की अध्यक्ष और मुझे आज यहाँ 3 दिन से, आज ही नहीं 3 दिन से बहुत अच्छा मौका मिला अपने पूर्वजों को जानने का। आज तक हम सिर्फ यही समझते थे कि महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं, लेकिन अग्रसेन जी का क्या रोल रहा है, तो उनके पुत्रों का क्या रोल रहा, ये हमें महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर जी ने बताया। और सबसे अच्छी बात जो हमें यहाँ सीखने को मिली, वो मुझे पता चला कि जो हम रात को शादियाँ करते हैं, रात को फेरे लेते हैं, ये हमारे अग्रवाल समाज में वर्जित है। हमें अपनी शादियाँ दिन के समय करनी चाहिए, जहाँ पर अग्नि और सूर्य गवाही दें हमारे फेरों की। ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने विचारों को बदलें और दिन में शादियाँ करानी शुरू करें। दूसरा, मुझे बहुत अच्छी बात यहाँ सीखने को मिली कि अग्रोहा धाम के अंदर लक्ष्मी जी का शक्तिपीठ मंदिर बन रहा है और वहीं पर ही 118 सरोवरों का जल एक साथ वहीं पर ही आ गया है। गया जी के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, अब आप वहीं पर ही जाकर अपना पितृदोष पूरा कर सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आने वाली पीढ़ियों को जो अभी इस चीज़ में भी नहीं है? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अग्र भागवत का एक बार सभी श्रवण जरूर करें। और जो हमारे वैश्य समाज के ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है कि ये केवल व्यापार तक ही सीमित है, आपको जब कथा श्रवण करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेवा, बलिदान और हर एक चीज में अग्रसर रहने वाला, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर बिना वैश्यों के योगदान से वो पूरा नहीं हो सकता। एक बाहर एक आगे मूर्तियों का बैनर है, मेरा आपसे अनुरोध है उसकी क्लिप लेकर आप उसे भी प्रसारित करें, ताकि समाज जान सके और हमारे बच्चे जान सके कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है और हमारे अग्र बंधुओं का भारत की आज़ादी में और इसके उत्थान में कितना बड़ा योगदान है, और आज पूरा देश गर्व करता है। वो भीतर से प्रकट होता है, आनंद बाहर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कुल्लू मनाली घूमाते हैं, थोड़ा आनंद लेकर के आ जाते हैं, नहीं मिलता है। गोवा चले जाएं, बाग बगीचों में चले जाएं,
फाइव स्टार सेवन स्टार में चले जाए, मखमली गद्दों पर रात भर करवटे बदल करके फिर 10 दिन बाद घर आ जाते कि नहीं आ जाते? आनंद नहीं मिलता है ना? आनंद कैसे मिलता है? हमारी अग्रभागवत की कथा सिखाती है, अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो अपने भीतर के आनंद को प्रकट करना पड़ेगा। कैसे प्रकट करना है? दूध में है। दूध में क्या है? घी कहां से निकलता है? तो मक्खन खाना हो, घी खाना हो, दही खाना हो, मिठाइयां खानी हो, छाछ पीनी हो, तो गर्म किसको होना पड़ेगा? जमना किसको पड़ेगा? खटाई को सहन किसको करना पड़ेगा? फिर मथानी से मत। आप कहेंगे गुरुजी, तो आपका आनंद अगर भीतर से प्रकट होना पड़ेगा तो फिर आपको गर्म भी होना पड़ेगा। गर्म कौन करेंगे? दोरानी जेठानी को करेगी, अड़ोसी पड़ोसी को करेगा, है ना? पिता पुत्र आए हैं, सोना की टीम बैठी हुई हमारे सतीश जी के साथ में आए हुए हैं, प्रधान जी के साथ में, सबका बहुत बहुत स्वागत सत्कार। भैया जरा एक बांसुरी की आवाज सब लोग प्रेम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे जी, केवल बांसुरी। सब लोग आए यहाँ पर भी, आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूरे दिन तीनों दिन बड़े उत्साह के साथ में और ध्यान होंगे और इस कथा में भाग लेकर के कथा को बड़ा सुंदर बनाया है। बहुत सारे बच्चे भी इस कथा को आराम से सुनते हैं। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अगर जागृत हो जाएगी तो आने वाले समय में, बहुत कम समय में, अगर बात का प्रचार होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। जय भगवान अग्रत, जय लक्ष्मी। हाँ जी, यस महाराज जी, 24 तारीख से अगरसैन की रथ यात्रा यहाँ अगर वैश्य धर्मशाला में आई है, तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। ये अग्रभागवत कथा है 3 दिन की, और गुरुग्राम के वैश्य भवन में 25, 26 और 27 तारीख को आज ये कथा संपन्न हुई है। 25 तारीख को कलश यात्रा के साथ में और माता बहनों ने बहुत उत्साह के साथ में इस कथा में भाग लिया है। ये गौरवशाली कथा है, पुरुषार्थ की कथा है, और भगवान अग्रसेन जी का संपूर्ण जीवन चरित्र इस अग्रभागवत कथा में है, और छोटी की कथा है, 27 अध्याय की कथा है, बड़ी प्रेरणादायी कथा है। और पूरे देश भर में 10 वर्षों से अग्रभागवत कथाओं का बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ा है, और ये मेरे गुरुग्राम में ये मेरी 172वीं कथा है। इसके पहले पूर्वोत्तर में आसाम, गुवाहाटी और नागालैंड में, अपना जो हरियाणा है, राजस्थान है, उड़ीसा है, राउरकेला है, अभी संबलपुर में कथा होने वाली है, 14 मार्च से 19 मार्च तक अभी यमुनानगर के पास जगाधरी में कथा संपन्न होगी, और उसके बाद संबलपुर उड़ीसा में कथा है। ये एक जन जागृति का विषय है, हमारे अग्रसेन भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो जन जन की शिक्षाएं हैं,
और मैं तो एक निवेदन करूँगा कि अगर भागवत कथा हम सबके सुनने की कथा है और सब लोग छत्तीस गुजराती के लोग उस कथा को सुने और सुनने के बाद ही कथा। महाराज जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, एक भगवत कथा श्री कृष्ण की होती है, ये अग्रसेन जी, तो क्या संदेह देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? ये अग्र भागवत कथा भगवान अग्रसेन जी का जीवन चरित्र है और श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित ने सुनी थी और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी और अग्र भागवत कथा व्यास जी के शिष्य जनमेजय ऋषि ने और परीक्षित के पुत्र जनमेजय को सुनाई थी और भगवान अग्रसेन जी का पूरा जीवन चरित्र है, इसलिए इसको अग्र भागवत का नाम दिया है। महर्षि रामगोपाल वेदी जी ने इस ग्रंथ को अच्छी तरह से भोजपत्र में लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है और उनको प्रसाद के रूप में ऋषि के द्वारा उनको मिला है और वो प्रचार प्रसार कथा के माध्यम से उन्हें भेंट करने का। माँ जी, आने वाली पीढ़ी है उनको इस बारे में नहीं पता, तो उनको कैसे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये बताएं कि भी इसके बारे में? इसीलिए हमारा प्रयास है कि ये कथा जन जन की कथा बने और हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माता बहन हो, कोई भी हो, इस कथा को सुनने का प्रयास करें। ज्ञान में ही कथा होती है, वहाँ गए।